क्या वो सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी अपने तक ही सीमित रहते हैं। और वो ये तो चुनाव जीतेंगे, हटके दोबारा लोगों को नहीं मिलेंगे। ऐसा है, उनकी अदा है। अगर वो हीरोइन है तो हम भी हीरो से कम नहीं। मैंने कहा हमने आवेदन किया है और टिकट के लिए ये आवेदन कर रखा है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुखविंदर सुक्खू जी का जन्मदिन है, जिसमें हम आपके चैनल से उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड डीएसपी श्री ज्ञान चंद ठाकुर जी। और ज्ञान चंद ठाकुर जी वो शख्सियत हैं जो कहीं ना कहीं अब दमखम रखते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट को लेने के लिए भी इन्होंने अपनी दावेदारी जो है पेश की है। हालांकि हम बता दें कि इनका जो मुकाबला है, यदि कांग्रेस इनको टिकट देती है, ये हाईकमान की बात, भारतीय जनता पार्टी से जो कैंडिडेट है उनके साथ होने वाला है, तो वो एक अभिनेत्री है। किस तरह से देखते हैं ज्ञानचंद जी की अब आपके जो टक्कर है किसी अभिनेत्री के साथ? ये जो अभिनेत्री वाली बात है, ये तो देखो जी बॉम्बे तक की सीमित है। और बॉम्बे से ये बचपन में चले गए, बॉम्बे से आके खुद, और खुद भी वो कह रहे हैं कि हम लोग ने जो हाईकमान हमें जिताएगा वही हमारा सब कुछ करेगा, तो मोदी ही करेगा। तो ऐसा है कि जो दूसरों में पहले से ही आश्रित हो तो क्या करेगा। और खासकर वो हमारी जो भौगोलिक स्थिति है मंडी पार्लियामेंट की, वो कठिन है। और ये जो हमारी पार्लियामेंट मंडी जो दो लोकसभा सीट है, ये पूरे भारत में सबसे बड़ी है। और इसका जो क्षेत्र में जो घूमना, वो उनका कहना है कि मैं गांव गांव जाऊंगी, तो 5 साल तो इसके जाने में लग जाएंगे, तो भौगोलिक स्थितियों को जानने के बाद। लेकिन हमने जो है गांव गांव घूमा है और गांव गांव घर घर गए हैं। और जिसमें कि मैं पार्लियामेंट जो हमारे सांसद रहे और मंत्री भी रहे, पूर्व मंत्री केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम जी, तो उनके साथ मैं पर्सन सिक्योरिटी ऑफिसर रहा हूँ, तो मैं उनके साथ गांव गांव गया हूँ और घर घर लोगों के गांव में भी घर घर घूमे हैं हम। और जिस प्रकार से कई बार जाते रहे हैं, और हमने मतलब जो है हिमाचल की जो अपने पार्लियामेंट की जो भौगोलिक स्थिति है और उनके जो पैदल रास्ते हैं उनका भी पूरा ज्ञान है। वो चाहे वो किन्नौर है, लोल है, भरमौर है, पांगी है, चाहे अपना कुल्लू है, मंडी है, तो इसमें हमने बखूबी मतलब इनकी भाषा को जानते हैं, इनका रहन सहन के साथ ये है, इनके साथ भाईचारे के साथ रहे हैं, तो ये सभी लोग जो है हमें प्यार पूर्वक मतलब हमें आदर करते हैं। तो और हमें पहचान की जरूरत नहीं है, सभी व्यक्ति खुद मतलब हमें जानते हैं। मुझे पुलिस कर्मचारियों की सेवा करने का मौका भी मिला। मैं पुलिस में हमारा जो एक संगठन खड़ा किया था, जिसको रजिस्ट्रेशन भी करवाई गई, और उसमें मैं 3 बार जो बाकी विभिन्न पदों में रहा, लेकिन 3 बार मैं उसका चेयरमैन रहा। मतलब जो पुलिस एसोसिएशन 18,000 कर्मचारियों का मैं प्रतिनिधित्व किया है। और जिस प्रकार से एक एमपी की पहचान होना चाहिए कि कौन उसको जानता है, ठीक है वो सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी अपने तक ही सीमित रहते हैं। और वो ये तो चुनाव जीतेंगे, हटके दोबारा लोगों को नहीं मिलेंगे यहाँ। एक अच्छा खासा प्रश्न इन्होंने खड़ा कर दिया। अगर कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी आती है तो कहीं ना कहीं जनता को सोचने वाली बात तो बनती है, क्योंकि काफी सारी स्टेट्स में हमने देखा है कि कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, बनने के बाद दिखते नहीं है। ये बात की बात है, होने वाला क्या है, लेकिन आप कैसे मानते हैं, कैसे उनको तो आप धराशायी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अभिनेत्री हैं, अदाकारा हैं, अपनी अदाओं का जलवा भी वो बिखेर सकती है। ऐसा है, उनकी अदा है। अगर वो हीरोइन है तो हम भी हीरो से कम नहीं, वाह क्या बात है, और यही जलवा जो है। हम कम नहीं है, क्योंकि हम उनको एक हीरोइन, उनको भी कोई पार्ट दे दिया जाए किसी एक्ट का, और उस पार्ट को हमें भी दे दिया जाए, कौन अच्छा करता है वो भी पता लग जाएगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज आपने दे दिया खुले मंच पे हमारी खबर खास टीवी के माध्यम। और इसके साथ साथ जो है हम लोग जो है मतलब मेरा अपना व्यक्तित्व तो है कि मैं हाईकमान से भी मिला, अपने मुख्यमंत्री से भी मैं इस पर बात की, मैंने रानी साहबा जो हमारी अध्यक्षा है उनसे भी मिला मैं,
तो विक्रमादित्य जी उनके बेटे हैं, उनसे भी मिला। मैंने कहा हमने आवेदन किया है और टिकट के लिए आवेदन कर रखा है, और उसके बाद शिमला में भी हमारे भक्तचरण दास जी आए थे जो केंद्रीय कमेटी के जो अध्यक्ष थे, उनके पास भी हमने अपना पक्ष रखा। उसके बाद हमारा जो यहाँ से नाम जो है वो दिल्ली चला गए थे, तो दिल्ली में मतलब वहाँ भी हम अभी एक हफ्ता लगा के आ रहे हैं दिल्ली से, तो सभी नेतागणों से मिले हैं और हमें आशा है कि हमें टिकट मिलेगा, क्योंकि हम मेरे परिवार और खानदान मतलब पूरा मतलब जो है कांग्रेस में समर्थित है, और वो शुरू से ही कांग्रेसी रहे हैं, और साथ ही मेरी वाइफ जो है वो एक जिला परिषद मेंबर रहे हैं, और वो भी हमारे बहुत बड़ा वार्ड है लड बड़ोल तहसील का, उससे जिला परिषद मेंबर रहे हैं, और उस वक्त उन्होंने अपने सभी प्रतिद्वंदियों की जमानत जब्त करवाई है, और साथ में उनका जो 30 साल का जो अपना अनुभव है और जो 30 साल का जो लोगों के बीच में मंडी जिला की वो सेवा दल की वो वाइस चेयरमैन रही है, उसके बाद वो अपने मंडी जिला की उपाध्यक्ष रही 2 बार, और तीसरी बार इस बार जो है जनरल सेक्रेटरी है, तो उसके साथ साथ वो उन्होंने अध्यक्ष बनते हुए मंडी जिला की कमेटियाँ बनाई, उनमें भी हम भी साथ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग सभी को जानते हैं मेरे परिवार, और मेरा कंटिन्यू इसमें रहा। मैंने पहले भी जो है अपना आवेदन किया था, मैंने आपको कहा कि मेरा आवेदन 2 बार पहले हो चुका, जिस वक्त सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं ये अध्यक्ष हुआ करते थे, तो इनके माध्यम से भी दिया था मैंने, और उसके बाद जो दूसरी बार राजा वीरभद्र जी थे जो मुख्यमंत्री थे उनके माध्यम से भी दिया था उन्हीं में, तो उसके बाद जो है फिर मैंने इस बार जो है तो अब मैं मतलब पूरी सेवा में चला हूँ और कांग्रेस के लिए समर्पित हूँ, और अपना जीवन जो है अब इसके बाद जो है तो मतलब कांग्रेस के लिए ही लगाने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने जो है आवेदन किया है, और उससे मुझे उम्मीद है कि मुझे टिकट मिलेगा। देखिए अब क्या कुछ फैसला होगा ये हाईकमान तय करेगा, लेकिन इससे पहले आपका फैसला क्या है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई में ही एक सेलिब्रिटी के ऊपर जो है ये मंडी जिला से जोगिंदरनगर से जो रिटायर्ड डीएसपी श्री ज्ञानचंद ठाकुर जी हैं इनके लटके झटके उन पर भारी पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे बाद की बात है। हालांकि आपसे एक चीज और जानते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि आप सक्रिय राजनीति में हैं और कांग्रेस में शुरू से ही हैं, लेकिन जिस तरह से बात करते हैं कंगना की, जो आपने बात करी है कि कोई भाजपा उसे मंडी से जो है उतार रही है, लेकिन बात करते हैं आज से पहले वो कभी सक्रिय राजनीति में नहीं रही हैं, और ना ही कभी भाजपा की ओर से भी कोई पार्टी की सदस्यता उनके पास हो, इससे भी हमें कई बार ऐसा सुनने को मिला है, और अभी फेसबुक के माध्यम से आप लोगों ने भी देखा होगा कि बीजेपी के लोग ही कई लोग उनके नकार भी रहे हैं जो बड़े नेता रहे। ये बिल्कुल एक्चुअली जो ये मैंने आपको कहा देखिए सेलिब्रिटी है, हम भी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, हमने अपने समाज में समाज का जो हमारे मंडी क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो इसमें जो हमारी कलाकृति जो होती है जैसे कि हमारी पुरानी अदाएँ हैं, तो जिसमें मंडियाली नाटी है, मंडियाली नाटी का तड़का आपने देखा होगा कि मैंने यूट्यूब में भी मैंने डाला हुआ है वो, उसमें भी हमने एक उसको मतलब जो हमारी संस्कृति है उसको बचाने का प्रयास किया है, तो इस प्रकार से हर मुद्दे में चाहे वो कोविड का डे हो चाहे वो फ्लड के ये हो, हमने लोगों के बीच में रहे हैं, उनके दुख दर्दों में रहे हैं हमेशा, और जब सर्विस में थे तो तब भी वहीं भी काम करते थे तो जनताओं के साथ, और हमारा ये होता था कि जब हम सर्विस में थे कोई भी घटना किसी भी व्यक्ति के साथ घटती थी तो हमें सोचते थे कि ये मेरे परिवार या मेरी अगर किसी बहन के साथ घटी है तो अगर मेरी बहन से क्या घटती तो मैं उस प्रकार से उसको सोच के फिर मैं उसके ऊपर एक्शन उस प्रकार से करता था। बहुत बड़ी बात है, और जिस तरह से आपने कह ही दिया कि जो सेलिब्रिटी है वो सेलिब्रिटी हैं, और आप जब उनसे मिलेंगे अपने काम करवाने के लिए तो हो सकता है सेलिब्रिटी अपने कार्यकाल में भी बिजी रहें, तो ये काफ़ी सारी बातें हैं, आपको सोचने वाली बातें हैं। हालांकि अब टिकट कांग्रेस किसको देती है ये तो कांग्रेस ही जाने, आपका हाईकमान जाने, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक दमखम रखते हैं, जज्बा रखते हैं मंडी से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर हम कहेंगे जो लोकसभा की सीट के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने आवेदन किया है और उसकी वो खुद को उस लायक भी समझते हैं कि ये सीट जो है उनके
इनके हक पे जो है सीट इनको मिले और ये इलेक्शन लड़े और जीतेंगे। अगर आप चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, मंडी के लिए विशेष क्या है आपके पास? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मंडी के लिए सबसे पहले हमारे पास जोगिंदर नगर साधन पावर हाउस की जो हमारी परियोजना है उसको जो आप पंजाब से हिमाचल में जो दलाना है और जो कि उसका दो फरवरी को उसका समय जो है जो भी में मतलब समाप्त हो चुका है, तो एक बहुत बड़ी वो हमारी योजना है, परियोजना है वन बिजली, तो उसको जो है पंजाब से दिलाना है। जबकि हिमाचल में आपने देखा होगा कि लोगों ने आवाज़ उठाई, हमने आवाज़ उठाई थी पहले भी, तो उसमें क्या है कि उनके तीन जो है वो हमारे सांसद बीजेपी के हैं और उन्होंने उस बात को जो है ऊपर जो हमारे जो केंद्र में उनकी सरकार है उनसे उठाने के लिए कई बार आग्रह किया लेकिन उन्होंने नहीं उठाया, ना वहाँ पर उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, विपरीत दिशा में इसको दबाने का प्रयास किया कि ये नहीं मिलना चाहिए हिमाचल को। ये मेरा आरोप है उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने इसमें प्रयास ही नहीं किए, बोलने के बावजूद भी प्रयास नहीं किए। जिस प्रकार की आपदा थी, आपदा में हिमाचल को आपदा घोषित कर देते, बाकी राज्यों में कैसे कर दिया उन्होंने हिमाचल को? हमारे विधानसभा में मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार, हमारे विधायक सभी बोलते रहे कि आप लोग इसको आपदा में हमारा सहयोग दीजिए, चलिए आप इसमें ये करिए, लेकिन उन्होंने मतलब आपदा घोषित नहीं होने दी संकट, मतलब ताकि हिमाचल में जो है वो मतलब फाइनेंशियल संकट आए, लेकिन हमारे जो चतुर और बुद्धिजीवी बुद्धिमान हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो एक साहस मुख्यमंत्री है, इन्होंने बहुत विवेक के साथ और बहुत सोच समझ कर जो है अपने निर्णय लिए और किस प्रकार से इन्होंने इम्प्लाइजों की जो तनख्वाह है उनको भी रोकने नहीं दिया, सभी चीज़ों को धीरे धीरे करते रहे। उन्होंने ओपीएस को लागू, 5 मुख्य मांगे कर दी गई है, ओपीएस को लागू किया, जो हमारे कर्मचारी, हम कर्मचारी हैं, जो हमारा एक पूंजी होती है कर्मचारियों की, जब हमें ये ओपीएस मिली है, बाकी सभी भाइयों को हमें तो लागू थी, लेकिन हमारे भाइयों को जो अब मिली है तो उनको एक जीविका होती है, किसी के ऊपर आश्रित होने की जरूरत नहीं होती, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और जो हमारे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं अब 2024 में, राहुल गांधी जी वो प्रधानमंत्री होंगे, ये इसमें ये रोक नहीं सकेंगे, कांग्रेस पार्टी को रोक नहीं सकेंगे, कांग्रेस पार्टी 300 पार जाएगी। ये उन्होंने मतलब जिस प्रकार से शेख चिली वाली बातें करते हैं कि 400 पार जाएंगे, ये नहीं जा पाएंगे, क्योंकि लोगों ने अब मन बना दिया है कि अडानी बडानी और जो वो जो इस वक्त जो है मतलब ये जो भारत की स्थिति, इन्होंने कितने करोड़ों रुपये, लाखों करोड़ों रुपये जो है उनका लोन माफ़ कर दिया है, तो इस प्रकार से तो मतलब जो उस लोन को अगर माफ़ करने के बजाय जनता में लगाते तो कितना डेवलपमेंट होती है। वो कहा कि 2 लाख को जो है नौकरी मिलेगी, वो नौकरी नहीं, हाँ अभी गारंटी कानून ला रहे हैं इसमें, मतलब लोकसभा में कानून पास होगा, लोगों को मतलब नौकरी देंगे इस प्रकार से। और हिमाचल में हमारे मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए 1500, पहले तो बोलते थे दे नहीं रही है कांग्रेस, अब क्या है, अब वो रुकवाने के लिए वो किसके, इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गए, और उसके बाद आपको हैरानगी होगी कि जो शख्स बोलते थे कि ये करवाने से, जब कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, जब मुख्यमंत्री ने उसको लागू कर लिया और उसके जो फार्म भरने लगे तो वो बोलते फार्म ही रुकवाने की कोशिश कर दी गई, तो ये कितनी मतलब घटिया मतलब उनकी सोच है, और किस प्रकार वो हमारे हिमाचल महिलाओं को किस प्रकार से मतलब वो मतलब प्रताड़ित करना चाहते हैं इस प्रकार से। अगर इतनी बड़ी अभिनेत्री कंगना रनौत जिनका नाम है, उनके आगे कोई टिक सकता है तो वो सिर्फ डीएसपी ज्ञानचंद ठाकुर जी। उनकी बातों से, उनकी अदाओं से आपको क्या लगता है? और एक चीज हम स्पेशली आपसे जानना भी चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि मंडी के लिए जो आपकी विशेष जो सोच है वो आपने बताई है, अपना सानन जो प्रोजेक्ट आपने बताया है, हालांकि जिस तरह से साल का जो है सालाना 200 करोड़ का रेवेन्यू जो है पंजाब को जा रहा है, और यहाँ की जो हालत है जो हमने भी देखी है और आप सबने देखी है
कि पंजाब गवर्नमेंट इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाती इसकी डेवलपमेंट के ऊपर। हाँ, इसके ऊपर जिस तरह से क्या रहेगा, अगर टूरिज्म की दृष्टि से देखेंगे और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है मंडी को, जोगिंद्रनगर को, या फिर हम कहेंगे जो मंडी आपका संसदीय क्षेत्र है उसको। ये इसमें जो आप कह रहे हैं कि बढ़ाया जाएगा, इसमें साथ साथ साधन पावर के साथ साथ जो है हमारे यहाँ पर जो है ट्राली सिस्टम है जिसे सरजू रोड बोलते हैं, तो वो एक टूरिज्म के लिए, हमारे एक टूरिज्म के लिए भी बहुत बढ़ा हुआ है यहाँ। और जो ये वैली आपको दिख रही है सामने, जो वैली दिख रही है, हम आपसे कैमरा उस तरफ करवाएंगे, ये जो वैली है इतनी सुंदर वैली है, जो 18 नंबर से ऊपर बेंच कैंप से ऊपर जाने से, जो अगर ये जो वैली अगर हमारे टूरिज्म के लिए खुल जाए तो हमारे तो बेरोजगार लोगों को मतलब यही मतलब रोजगार मिल जाएगा। और इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं जो, क्योंकि मतलब करने के लिए आदमी क्या क्या नहीं कर सकता, कोशिश करनी है। और रेल लाइन जो है हमारी पठानकोट से लेकर मंडी, ये जो अंग्रेजों के टाइम से है, वो जो एक कदम आगे नहीं बढ़ी, तो हमारा प्रयास रहेगा कि इस रेलवे लाइन को मंडी तक हम भी ले जाएं, ताकि जो दूसरी तरफ से रेल आएगी उसके साथ इसका लिंक हो जाए। मुझे लगता है कि ये कर्नल बीसी बैटी के बाद एक आप ही होंगे ज्ञानचंद ठाकुर जी, कि आप ये सोच रखते हैं और इसको मंडी तक पहुंचाएंगे, नहीं तो पूरे 100 साल होने वाले हैं, इस रेलवे ट्रैक को कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी ये जो जो कर्म, हमारी जो ये जो भूमि है, और जो ये इसमें कर्म भूमि जिसको कहते हैं, तो अगर हम कुछ काम नहीं करेंगे, अगर हम इस तरह से मतलब चलते फिरते रहेंगे, और जो काम करने की क्षमता होगी, काम करेंगे तभी मतलब लोग हमें याद करेंगे। और जिस प्रकार पंडित सुखराम ने जब काम किए हैं टेलीकम्युनिकेशन में, आज जो उन्होंने गति दी थी, और जिससे कि मतलब हमारा हिमाचल जो 50 साल आगे चला गया था, पूरे भारत में उन्होंने टेलीकॉम क्रांति को लाया था, जो क्रांति के मसीहा कहे जाते थे उन्हें, तो वो उसके साथ साथ हम भी कोई ना कोई, क्योंकि उन्हीं उन्हीं के पद चिन्हों में है और हम उनके शिष्य हैं। आखिरी में हम जानना चाहेंगे क्या मैसेज रहेगा आपका जोगिंद्रनगर और पूरी मंडी की जनता के लिए? हमारा मैसेज ये रहेगा कि सभी अपने जो जितनी भी हमारी मेरी पार्लियामेंट के जो हल्का के जो लोग हैं, मैं उनसे सबसे मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि वो हमें, अगर पार्टी हमारे पर विश्वास करती है और टिकट देती है, तो सभी से मेरा विनम्र प्रार्थना ये होगी कि हमारा सहयोग करें, और हम उनकी आशाओं में खरे उतरने की कोशिश करेंगे, और हमेशा उनके कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगे, और जब भी किसी भी वर्कर का हमें जो आदेश या जो भी कार्य होगा उसकी प्राथमिकता के आधार पर उसे किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। और आखिरी में इसके साथ में जिस तरह से आपका जो, अगर आपको टिकट कांग्रेस देती है, फिर से कहना चाहेंगे, उसके बाद जिस तरह से कंगना तो अब फाइनल हो चुके भाजपा की ओर से, आपका सीधा तौर पर मुकाबला उनसे होने वाला है, तो एक झटका जो आपने बीच में दिखाया वो आखिरी में हमारे दर्शकों के लिए और पूरे मंडी हल्का के जनता के लिए। हाँ, ऐसा है कि जब मैंने कहा कि वो हीरोइन है तो हम भी हीरो से कम नहीं, देखिए, और ये बहुत बहुत शुक्रिया जी। और देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, और खासकर बात करते हैं, चलिए हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आप अगर टिकट लेके आते हैं तो जिस तरह से आपने बातें की हैं मंडी को और मंडी क्षेत्र के लिए, उन बातों को आप पूरा करें, और जिस तरह से काफी बातें होती हैं, आम जनता से भी मैं एक अपील करूंगा कि क्योंकि जनता जो है मतदान करती है और जनता के मत में वो शक्ति है, इसका आप सदुपयोग करें, सही तरीके का उपयोग करेंगे तो एक स्वच्छ अगर हम कहेंगे लोकतंत्र का निर्माण होगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी शुक्रिया, आपके चैनल का भी शुक्रिया, और साथ में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज हमारे आपके चैनल खबर खास के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुखविंदर सुक्खू जी का जन्मदिन है, जिसमें हम आपके चैनल से उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनके परिवार को, और उन्हें हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, और बहुत बहुत बधाई। तो चलिए, जिस तरह से आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जन्म दिवस है, तो खबर खास जीवी की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से और पूरे हिमाचल की ओर से उन्हें हम हार्दिक शुभकामना देते हैं जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। वो स्वस्थ रहें,
और प्रदेश की सेवा। तो अभी हमारे साथ जुड़े थे रिटायर्ड डीएसपी श्री ज्ञानचंद ठाकुर जी, और जिस तरह से मंडी लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस से टिकट के लिए दावेदारी उन्होंने पेश की है, और कहीं ना कहीं वो टिकट की लाइन पर भी खड़े हैं, और वो खुद को जो है एक मजबूत योद्धा जो है वो मानते हैं कि टिकट जो है उन्हीं के जो है पक्ष में रहेगा। और क्या कुछ पूरी बातें थी, आपने पूरी बातें सुनी, क्या आपका विचार है ये जरूर रखें, और कहीं ना कहीं यदि कांग्रेस से इन्हें टिकट मिलती है तो इनका मुकाबला जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी अभिनेत्री के साथ होने वाला है, और जिनके बारे में इन्होंने संक्षिप्त में बोला है, तो आपकी अपनी राय जरूर दें। तो चले खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।